नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं फैंटेसी बेनिंग एलेवन यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैन कोड ई रिपब्लिक टी टेन टूर्नामेंट के आज के चौथे मुकाबले के बारे में जो खेला जाना है पी और पी दोनों ही टीमों के बीच में तो दोस्तों टीम के कॉम्बिनेशन को सेट करने से पहले बात करते हैं दोनों ही टीमों के अब तक के टूर्नामेंट सफर के बारे में सबसे पहले यदि बात करें पी के बारे में तो टूर्नामेंट में ये टीम दोस्तों लास्ट नंबर पर अभी तक रही है और छह मुकाबले इस टूर्नामेंट में खेलने के बाद मात्र एक ही मुकाबला ये जीते हैं और पांच मुकाबलों में 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 इन्हें हार मिली है है वहीं अगर बात करें पीसीसी के बारे में तो टेबल नंबर एक पर ये टीम रही मुकाबले खेलने के बाद पांच मुकाबलों में जीत और मात्र एक ही मुकाबलों में इन्हें हार मिली है दोस्तों बात करें दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मुकाबले के बारे में जो कि इसी टूर्नामेंट में खेला गया था दोस्तों पीसीसी ने एक रन बनाए थे और पी की टीम को सेवन थ्री से यहां पर हराया था यानी आज के मुकाबले में भी देखें तो पीसीसी टीम काफी मजबूत दोस्तों हमें यहाँ से दिखाई दे रही है टूर्नामेंट में जो अभी तक तीन बड़े स्कोर बने हैं पूरे टूर्नामेंट में दोस्तों जो तीन टॉप बड़े स्कोर बने हैं वहाँ पर एक रन एक और एक ये तीनों ही रन दोस्तों पी टीम के रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आज पहले बल्लेबाजी कौन सी टीम करने वाली है दोस्तों बात करें यदि अपन ग्राउंड रिकॉर्ड्स के बारे में तो 16 मुकाबले अभी तक इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं जिनमें से आठ मुकाबले ऐसे रहे हैं जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं बचे हुए आठ मुकाबले बाद में यानी कि चेस करने वाली टीम ने यहाँ पर जीते हैं दोस्तों यहाँ पर बता दें टीमों के हिसाब से देखें तो टॉस इतना इंपॉर्टेंट आज नहीं रहने वाला है लेकिन यदि हमारे हिसाब से देखें तो दोस्तों टॉस आज हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि दोस्तों यदि की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो निश्चित तौर पर हम उन प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं जो तो टॉप फोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसे में दोस्तों क्योंकि आज का जो एवरेज स्कोर हम बताएं यदि एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो यह स्कोर लगभग 86 का रहने वाला है लेकिन यदि पीसीसी पहले बल्लेबाजी करता है तो यह स्कोर हमें 130 के आज आसपास देखने वाला है वहीं अगर पी एल जेड पहले बल्लेबाजी करता है तो ये स्कोर सिमट कर एक सौ दोस्तों सिमट कर छियासी रन के आसपास हमें देखने को मिलने वाला है यानी तो हमारे लिए दोस्तों जो टीम हम तैयार करेंगे उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दोस्तों बात करें दोनों ही टीमों में हमें किस प्रकार के बल्लेबाजों को यहाँ से लेकर चलना है और किस प्रकार के गेंदबाज को हम अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखना होगा और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर आ जाइएगा क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहीं पर हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ दोस्तों टॉस के बाद जो टीम हम तैयार करेंगे वो दोस्तों हम यहीं पर आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों वीडियो तो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो शुरुआत करने वाले हैं हम विकेट कीपरिंग सेक्शन के साथ में दोस्तों यहां पर हम पूरी टीम यानी दोनों ही टीमों को लेकर नहीं चलेंगे सबसे पहले हम अब बात करें पी एल जेड टीम के बारे में तो यहाँ पर हमें दो विकेट कीपर दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले बात करें डी विंसेंट के बारे में दोस्तों तो बैटिंग ऑर्डर इनका काफ़ी नीचे आता है आठवें नंबर पर ये बल्लेबाजी करते हैं इसलिए मात्र एक ही मुकाबले में बैटिंग आई है और वहाँ पर नौ रन इन्होंने बनाए हैं यानी यहाँ से देखें तो ये प्लेयर हमारे लिए कोई मतलब का प्लेयर नहीं है वहीं अगर बात करें अपन रोशन सिंह के बारे में तो मात्र दो ही मुकाबले खेले हैं शुरुआत के चार मुकाबलों में टीम ने इनको ड्रॉप किया बाकी Bye. Mm -hmm. अगले दो मुकाबले खेले हैं और इनका बैटिंग ऑर्डर दोस्तों नब्बे नंबर पर रहा है और यही कारण है कि दो मुकाबलों में से एक मुकाबले में बैटिंग आई है जहां पर इन्होंने एक रन बनाया है और जो पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ पिछले मुकाबले में तीन आउट में इनका योगदान था उन्हीं के ये पॉइंट रहे हैं यानी यहाँ से देखें तो हम इस टीम के किसी प्रकार के विकेट कीपर के साथ नहीं जाने वाले हैं वहीं अगर बात करें बल्लेबाजों के बारे में तो यहाँ पर बात करेंगे केयूर पटेल के बारे में दोस्तों पुराने रिकॉर्ड्स की बात करें ना टूर्नामेंट में दो और दो के बात करें तो वहां पर इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं लेकिन अभी तक दोस्तों बात करेंगे तो दो मुकाबले खेले हैं पांचवें और सातवें नंबर पर इन्होंने बैटिंग की है यहाँ पर आठ और जीरो रन का इन्होंने स्कोर किया है ये बल्लेबाज बॉलिंग नहीं करता है तो सेफ टीम के हिसाब से देखें तो हम इन्हें यहाँ से ड्रॉप करने वाले हैं वहीं अगर बात करें अश्विनी संपत के बारे में दोस्तों ये चार मुकाबले इन्होंने अभी तक खेले हैं चौथे नंबर पर हालांकि बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन अभी तक इनका बेस्ट स्कोर दस रन कर रहा है तो ऐसे में आउट ऑफ फॉर्म है इस प्लेयर को भी हम ड्रॉप करने वाले हैं और सामने पीसीसी की टीम मजबूत टीम है दोस्तों फॉर्म की वापसी आज भी नहीं होने वाली है वहीं अगर बात करेंगे सदुन फ़ारूक के बारे में दोस्तों तो ये प्लेयर ऐसा है जो आपको डिफरेंट पिक का काम करा कर दे सकता है क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर पर यह बल्लेबाजी करने आया था मात्र दो ही मुकाबले खेले हैं शुरुआत के चार मुकाबलों में टीम ने इनको ड्रॉप किया है और यहाँ पर रनों की बात करें तो एक और दस रन बनाए हैं दोस्तों तो पुराने रिकॉर्ड्स भी इनके अच्छे हैं और टीम में अभी तक इनको मौका भी नहीं मिला है तो हो सकता है आज के मुकाबले में ये आपको स्कोर कर कर दे दें इसलिए ग्रांड लीग में आप इन्हें अपनी टीम में लेकर जरूर चल सकते हैं बाकी सेफ टीम में आप इनको ड्रॉप कर, कर चले वहीं अगर बात करें गुरु सिंह के बारे में तो यही एक ऐसा प्लेयर है दोस्तों जो शुरुआत से लेकर अभी तक अपनी टीम के लिए संघर्ष करता हुआ आया है चार मुकाबले इनके द्वारा खेले गए हैं और चारों मुकाबलों में इनके बल्ले से अच्छे स्कोर हमें देखने को मिले हैं एक मुकाबले में फोर्टी और एक मुकाबले में इक्कीस रन बनाए हैं वहीं सबसे अच्छी बात दोस्तों हमारे लिए है ये है कि ये बल्लेबाज आपको बॉलिंग भी करता हुआ देखने वाला है चार मुकाबलों में दो विकेट भी अपनी टीम के लिए निकाल कर दिया है तो ऐसे में आप इसे अपनी टीम में यहाँ सेलेक्ट कर कर चल सकते हैं

आगे आने वाले प्लेयरों के बारे में तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसे हम अपनी टीम में यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं अब ऑलराउंडर सेक्शन पर आते हैं तो दोस्तों पीसीसी के जो ऑलराउंडर्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लेकिन फिर भी एक नज़र अपन डालते हैं पी के ऑलराउंडर्स प्लेयर पर सबसे पहले यदि बात करें अपन जतिन कुमार के बारे में दोस्तों जतिन कुमार ने पिछले ही मुकाबले में शानदार इकसठ तो जतिन कुमार ने पिछले ही मुकाबले में शानदार पंद्रह रनों की यहाँ पर पारी खेली है लेकिन उसके पहले वाले मुकाबले में चवालीस रन की शानदार पारी इन्होंने खेली है वहीं दोस्तों सोलह रन और अट्ठाईस रन इनके बल्ले से निकले हैं नंबर तीन पर ये बल्लेबाजी करते हैं बॉलिंग ये नहीं करते हैं तो ऐसे में आप इनको देखें दोस्तों अपन पीसीसी सी प्लेयरों पर सबसे ज़्यादा फोकस देंगे क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में पीसीसी के ही प्लेयर ऐसे हैं जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं तो वहाँ पर आप इन्हें अल्टरनेट के हिसाब से जतिन कुमार को टीम में शामिल करें वरना दोस्तों आप यहाँ से छोड़ भी सकते हैं बात करेंगे दोस्तों दत्ता शेट्टी के बारे में साठ लोगों ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है चार ही मुकाबले खेले हैं और चारों मुकाबलों में टीम के लिए ओपन किया है शुरुआत के दो मुकाबलों में टीम ने इनको ड्रॉप किया है रनों की यहाँ पर बात करें दोस्तों ज़्यादा रन नहीं है फिर भी पिछले मुकाबले में दस और 22 रन इनके बल्ले से देखने को मिले हैं वहीं बॉलिंग की बात करें तो चारों के चार मुकाबलों में दो दो ओवर कंप्लीट किए हैं और अभी तक पांच विकेट पिछले चार मुकाबलों में ये निकाल कर दे चुके हैं हैं तो दोस्तों यदि से 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 अपन जगह बनाते एक प्लेयर की दत्ता हम आराम अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं पीएल के लिए पी से बात करें तो एक प्लेयर लेने वाले हैं बाकी तीन प्लेयर हम पीसीसी के ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ से लेने वाले हैं बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की सबसे पहले दोस्तों यहां पर एन कुमार की बात करें पिछले ही मुकाबले में शानदार दो ओवर फेंकने के बाद तीन विकेट लिए हैं लेकिन बात करें चार मुकाबलों में इनके तीन ही विकेट हैं हालांकि दो ओवर यह प्लेयर कंप्लीट कर जरूर दे रहा है इसके अलावा दोस्तों यहाँ से कोई और ऐसा प्लेयर नहीं है जैसे हम यहाँ से अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं क्योंकि ये अपनी टीम में अल्टरनेट एक्सचेंज करते रहते हैं और फाइनल जो प्लेइंग एलेवन आएगी दोस्तों टॉस के बाद उनके आधार पर हम यहाँ से बॉलर्स को आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों अब बात करें अपन दोबारा विकेट कीपर सेक्शन पर आते हैं और अब बात करने वाले हैं पी -सी -सी के प्लेयर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा विकेट कीपर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे गनाथा ईश्वरम के बारे में जिसे हम अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं तो सबसे से बड़ी वजह इनको टीम में लेने की चौथे नंबर पर दोस्तों ये प्लेयर आपको बल्लेबाजी करता हुआ देखने वाला है हालांकि पहले बल्लेबाजी आती है तो निश्चित तौर पर हम इस प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं और पिछले ही मुकाबले में शानदार सत्ताईस रनों की पारी इन्होंने खेली थी यहां से दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट कीपर को लेकर चलेंगे चाहे हम किसी प्रकार की लीग क्यों ना खेल रहे हों वहीं अगर बात करें बल्लेबाजों के बारे में तो यहां पर आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे फिर भी दोस्तों बात करें सदाशिवम और रंगराजन के बारे में तो यहां पर हम रंगराजन को अपनी टीम में लेकर चलने वाले हैं यहां पर दोस्तों दोनों ही टीमों से मात्र तीन ही प्लेयरों को सिलेक्ट कर सकते हैं रंगराजन की यहाँ पर बात करें तो चौथे नंबर पर ये बल्लेबाजी करने के साथ साथ दोस्तों दो मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में इन्होंने तीन विकेट निकाल कर 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 दिए हैं दो ओवर ये प्लेयर कंप्लीट हमें देने वाला है वहीं सदर सबम के बारे में बात करें तो पांचवें नंबर और छठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे तो ऐसे में दोस्तों देखें पीसीसी टीम मजबूत है तो इनकी बैटिंग का चांस काफी कम है इसलिए हम यहां से ड्रॉप कर कर इनको चलने वाले हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन पर आते हैं सबसे पहले बात करेंगे पीसीसी के शानदार प्लेयर दोस्तों विक्रमा शेखरा के बारे में अभी तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला ये बल्लेबाज है दोस्तों लगातार अपनी टीम के लिए स्कोर कर रहा है यदि स्कोर की बात करें तो पैंतालीस इकतालीस सैंतालीस चवालीस और पिछले दो मुकाबलों की बात करें तो छब्बीस और इकतीस रन की पारी खेली है वहीं दो ओवर कंप्लीट कर कर ये आपको देने वाला है और छह मुकाबलों में पांच विकेट भी निकाल कर दे चुका है तो आपके लिए शानदार और कैप्टन और वाइस कैप्टन की भूमिका ये प्लेयर यहाँ से निभाने वाला है वहीं बात करें अशोकन के बारे में नंबर तीन पर यह बल्लेबाजी करते हुए देखने

दोस्तों वहीं पर हम आपके लिए टीम प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में दोनों ही टीमों से ऐसे प्लेयर रहे हैं जो कि एक मैच खेलते हैं और अगला मैच नहीं खेलते यानी फाइनल प्लेइंग एलेवन तब आएगी इसके बाद हम आपको टीम प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों अभी हाल ही में हमने एक टीम आपके लिए बनाई है जो कि हमने बनाई है दोस्तों पी यदि पहले बल्लेबाजी करती है उसके हिसाब से तो यहाँ पर हमने कैप्टन रखा है विक्रमाशेखारा को वाइस कैप्टन एन लाला को हमने यहाँ पर रखा है दोस्तों दो दो बल्लेबाज हमने यहाँ पर पी के खिलाए हैं वहीं डी शेट्टी हमने ऑलराउंडर खिलाया है इसी प्रकार की टीम आप तैयार कर सकते हैं यदि यही प्लेइंग रहती है तो हमारी सेम टीम रहने वाली है बाकी दोस्तों फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए मिल जाएगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय जय हिंद दोस्तों